कुछ दिन पहले मैं रायबरेली गया था और वहां मुझे मोची की दुकान दिखी, तो मैं वहां रुक गया। मैं उनके पास जाके बैठ गया, समझना चाहता था ये कर क्या रहे हैं। बातचीत हुई और मैं उनको देख रहा था, मोची हैं, हाथ में अनलिमिटेड स्किल थी उनकी, मतलब 30-40 साल का एक्सपीरियंस था। मैंने वो जूता लिया, मैंने बनाने की कोशिश की, वो मतलब सवाल ही नहीं उठता, मतलब मुझे 1-2 साल लग जाएंगे मतलब शुरू करने में। बातचीत हुई, मैंने पूछा क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। उन्होंने कहा ये जो मेरा बेटा है ये पहले मेरे साथ काम करता था, अब नहीं करता है, ये भाग गया, चला गया। तो मैंने कहा और फिर उन्होंने मुझे बोला कि राहुल जी, मेरी लाइफ में सिर्फ एक व्यक्ति ने, मेरे पिता ने मेरी रिस्पेक्ट की है और किसी ने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, और ये सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो मैंने कहा, उनसे कहा कि तुम्हें मालूम कैसे कि मजाक उड़ाते हैं? नहीं, कभी कभी तो मुझे सीधा बोल देते और कभी कभी दूसरे लोग मुझे आके कहते हैं। मैं जब जा रहा था मैं सोच रहा था इतना हुनर है, इतनी स्किल है और किसी से इनको इज्जत नहीं मिल रही है। और ऐसे हजारों लोग हैं और ये हिंदुस्तान में हर रोज हो रहा है। गाड़ी का इंजन होता है ना, उसमें सिलेंडर होते हैं। मोटरसाइकिल में कभी एक सिलेंडर होता है, 2 सिलेंडर की होती है, ट्रक 8 सिलेंडर की, 10 सिलेंडर की होती है। हिंदुस्तान में, मान लो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के इंजन में 10 सिलेंडर है, काम सिर्फ एक सिलेंडर कर रहा है, मतलब 90% लोग बाहर बैठे हुए हैं और देख रहे हैं और उनके सिस्टम में कोई भागीदारी है, भागीदारी नहीं। उनके सिलेंडर में ना पेट्रोल मिलता है, ना मेंटेनेंस होती है, ना कोई चेकिंग होती है। एक सिलेंडर छोटा सा टक 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 चल रहा है, कह रहे हैं भैया दुनिया में, और कहते हैं भैया सुपर पावर बन जाएगा। कैसे सुपर पावर बन जाएगा? 90% लोग सिस्टम के बाहर बैठे हुए हैं, हुनर उनके हाथ में है, स्किल उनके हाथ में है, ज्ञान उनके हाथ में है, उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इसीलिए हमने जाति जनगणना की बात उठाई है।